इस बार नॉमिनेशन है 9 मिनट का खेल। मंडली को हुई चिंता। जी हाँ, आपको बता दें कि इस हफ्ते नॉमिनेशन टास्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल इस हफ्ते एक दूसरे को नॉमिनेट करने के लिए कंटेस्टेंट्स को इंडिविजुअल नॉमिनेट नहीं करना है, बल्कि पूरी की पूरी टीम ही नॉमिनेट हो जाएगी। दरअसल घर में दो टीम्स बन गई हैं, एक है मंडली और एक है नॉन मंडली, और दोनों में से कौन किसे नॉमिनेट कर पाएगा ये तो बिग बॉस ही बताएंगे, क्योंकि कंटेस्टेंट्स को रखना है 9 मिनट का टैप। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस ने कहा कि कंटेस्टेंट्स को तब एक पर्ची को बॉक्स में डालना है जब उनके 9 मिनट्स पूरे हो जाएं। मतलब आपको बता दें कि नॉन मंडली वाला ग्रुप यानी कि प्रियंका, अर्चना और शालीन काफी कूल और चिल थे इस टास्क को लेकर। वहीं अर्चना तो पहले ही से ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और कह रही थी कि मेरे को टाइम का बहुत अच्छे से पता है और मेरे को पता है कि मैं सही टाइम पे ही डालूंगी। जिसके बाद हमने देखा कि जब शालीन की चांस आई तो वो भी डांस कर रहे थे और खूब मजे में थे, और प्रियंका भी थ्रू आउट द गेम काफी स्माइल कर रही थी। वहीं जहां तक बात है मंडली की, तो मंडली टास्क से पहले ही प्रैक्टिस करने लग गई और काफी ज्यादा टेंशन में भी दिख रही थी। इसी बात का मजाक अर्चना भी उड़ा रही थी और कह रही थी कि मंडली के चेहरे पर शिकन है। वेल, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मजेदार टास्क को लेकर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।